सफर ट्रेन का हो या फिर जिंदगी का, जिसको भी पढ़ने का शौक होता है उसका सफर यादगार हो ही जाता है। किसी को साहित्य पसंद होता है तो किसी को नॉवल, किसी को क्राइम बेस्ड स्टोरीज तो किसी को फैंटेसी का शौक होता है। लेकिन अगर अपनी पसंद की नॉवल पढ़ने की आज़ादी भी छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहरहाल अगर सफर के दौरान राइटर्स में आपको चेतन भगत की नॉवेल्स पसंद हैं तो अब आप खुद ही खरीद कर सफर में साथ ले जाइए, क्योंकि जल्द ही यह स्टेशनों में मिलना बंद हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत जल्द चेतन भगत की फेमस नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड को अब स्टेशनों पे नहीं बेचा जाएगा। वही नॉवल जिस पर अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड डायरेक्ट की गई थी। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द लॉन्च ऑफ द बुक। बुक अंदर से सेम है बिल्कुल, सिर्फ कवर चेंज किया है हमने, पर फिर भी आई शुड से दिस बुक और कॉपीज बिकेगी। एंड इट्स अ वेरी बिग डे ऑलवेज व्हेन दिस हैपेंस, बिकॉज इट ऑल्दो इज जस्ट अ सिंपल कवर चेंज, बट टू गेट टू दिस पॉइंट इज इयर्स ऑफ हार्ड वर्क by hundreds of people literally. And yeah, Mohit is right, I chose him. I'd been eyeing him for a long time, seeing the music he does in his movies. Story logon ko pata hai, book ki kafi logon ko, lekin jab movie aayegi to main chahta hu ki story bhi dekhe, lekin kuch aur alag bhi hona chahiye, some x factor has to be there along with the making a good well directed movie. And I think I felt like for a love story like Half Girlfriend, good music is a must, which now the songs you've all heard and you've seen, Barish and all, Phir Bhi Tumko and everything is ruling the charts, which is exactly what I wanted. And also making, understanding emotions, because a very intense love story. अब यह आखिर बैन किसने की और हुई कैसे? दरअसल रेल यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद रत्न हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा करने पहुंचे। वैसे तो उनका उद्देश्य बस यही था कि स्टेशन पर ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। लेकिन अपने दौरे के दौरान वह चेतन भगत की लिखी नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड को बेचने वाले एक स्टॉल पर जा पहुंचे। अचानक अध्यक्ष रमेश चंद्र जी ने गुस्से में आकर नॉवल को अश्लील कह दिया और फिर आदेश दिया कि इन सभी पुस्तकों को भारतीय रेलवे स्टेशनों से हटा देना चाहिए। दरअसल चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की लिखी एक प्रेम कहानी है। यह किताब चेतन भगत की पांचवी नॉवल है। इस नॉवल ने चेतन भगत ने बड़ी आसान भाषा में एक यंग जनरेशन के प्यार की कहानी लिखी है, जिसमें एक बिहारी लड़का जिसका नाम माधव झा है स्पोर्ट कोटा के तहत दिल्ली के प्रसिद्ध स्टीफन कॉलेज में प्रवेश लेता है और कॉलेज में ही उसकी मुलाकात दिल्ली के समृद्ध उद्योगपति की बेटी रिया सोमानी से हो जाती है। उन दोनों को बास्केटबॉल खेलना काफ़ी पसंद होता है और जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। माधव के मन में रिया के प्रति प्रेम भाव जाग उठता है। एक दिन जब माधव के हॉस्टल रूम में वे अकेले होते हैं तो माधव उसे अपने मन की बात बताता है, लेकिन रिया माधव को केवल एक दोस्त ही मानती है और वो उसे ये कहकर रोक देती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि हाफ गर्लफ्रेंड है। अगर आगे की कहानी आपको जानना है तो आप नॉवल पढ़ लीजिएगा। तो खबर ये थी कि रेल यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि स्टेशन पर जो भी सामान बेचा जा रहा है उससे दुनिया में गलत संदेश जा रहे हैं, क्योंकि इस पर उनकी नज़र रखने की जिम्मेदारी है। तो रत्न ने यह भी कहा कि स्टेशन के स्टॉलों पर समाचार पत्रों के साथ सांस्कृतिक या साहित्यिक सामग्री बेचने पर जोर दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों में बहुत सी अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं, जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। खैर, अश्लील किताबें अगर बिक रही हैं तो उसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड को अश्लील घोषित कर देना, क्या वाकई चेतन भगत के नॉवल देश को एक गलत संदेश देते हैं और इससे महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार और अपराध हो रहा है? वैसे अगर आपने हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ी हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन हमें दे सकते हैं। वैसे इस दौरे में रेलवे अधिकारियों और बुक स्टॉल विक्रेताओं से यह भी कह दिया गया है कि वे तुरंत स्टॉल से किताबों को हटा दें। इस दौरान अध्यक्ष ने कई सारे यात्रियों से बातचीत की जो रेलवे स्टेशन में होने वाली कई समस्याओं से जुड़ी हुई थी। यह पहली बार नहीं है कि रमेश चंद्र ने इस तरह की जाँच की है। स्टेशन से हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल हटाने पर जब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि रतन ने जो भी आदेश दिए हैं उनका पालन कानूनी अनुसार होना चाहिए। जब ट्विटर पर पाठकों को खबर मिली तो कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली, जो काफ़ी मज़ेदार भी थी। पेशे से पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, बधाई हो चेतन साहब, आपकी किताब हाफ गर्लफ्रेंड को अश्लील घोषित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर ना बिके ऐसा फरमान भेज दिया गया है। जोर से बोलो भारत माता की जय।
वहीं एक और पाठक चेतन सिंह ट्वीट करते हैं कि तो क्या चेतन भगत सरकार की नज़र में समाज में अश्लीलता फैला रहा है। कल तक नाम के ट्विटर आईडी से कमेंट आया है कि इनसे ट्रेनों की सफाई, ट्रेनों के टाइम से चलना और सुरक्षा का ध्यान रखना ये काम तो होते नहीं है और आए फोकट ज्ञान बघारने। वैसे हाल ही में चेतन भगत अपने ट्वीटेड वीडियो के कारण भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गए थे। चेतन भगत है? अच्छी है कोई चेतन भगत की? नई वाली कैसा है? लिखता है? ठीक लिखता है? बहुत अच्छी बिकती है सर। बहुत अच्छी बिक रही है। तू असली वाली की नकली है? ऑनलाइन का कॉपी सर। ऑनलाइन का कॉपी तो नकली है। ठीक है, ये कोई राइटर किसी काम का है? मैं ही हूँ चेतन भगत। क्या हाल है? क्या नाम है तेरा? सूरज। हाँ, थैंक यू। बुक्स भेजते हो आप बड़ी? हाँ सर, बहुत बिकी है। सारी ये वाली बहुत बिकी है। बोलो सारी रखा। कितनी बिकी? थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वीडियो के कैप्शन में चेतन भगत लिखते हैं कि इस आदमी ने मुझे मेरी ही किताब बेची, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ही चेतन भगत हूं, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही प्यारी थी। वैसे तो मैं पायरेसी का समर्थन नहीं करता, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इस तरह के लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। लेकिन इस वीडियो पर भी चेतन भगत ट्रोल हो गए जब एक यूज़र ने कमेंट किया कि आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को तुम और तू के साथ संबोधित करना तो गलत है। यही तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। चेतन भगत के लिए कहा जाता है कि उनकी गिनती गंभीर लेखकों में नहीं आती। वे खुद कहते हैं, मैं लिटरेचर नहीं लिखता, मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें आम बच्चे पढ़ें। सिंपल किताबें हों तभी तो इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उसे खुद की ज़िंदगी से जोड़ पाएं, और वही मेरा उद्देश्य है। चेतन भगत फिक्शन लिखने में काफ़ी समय बिताते हैं, शायद इस बात पर आपने गौर ना किया हो, लेकिन उनकी जितनी फिक्शन किताबें अब तक आई हैं उनमें एक नंबर ज़रूर होता है। मसलन वन नाइट इन कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, थ्री मिक्सचर्स ऑफ माई लाइफ। तो आखिर यह नंबर वाला टोटका है क्या? तो उन्हें एक इंटरव्यू में जवाब दिया, क्योंकि मैं इंजीनियर था, बैंक में तो था ही, तो बस यही सब उन दिनों की याद दिलाता है, इसीलिए नंबर जुड़े हुए हैं। लेखक का तो बैकग्राउंड कभी से था ही नहीं उनका। तो ये थी चेतन भगत की स्टोरी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। अब देखते हैं कि चेतन भगत की नॉवेल्स स्टेशन में बिकना बंद होती है या नहीं। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।